मेजर डालेंगे, एसएपी के स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आज का फोरम निर्धारित है एसएपी S/4HANA प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसी प्लेटफॉर्म में हम लोग करीब से देखेंगे एसएपी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। हम लोग के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड अवेलेबल है, उसी तरह आप लोगों के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी अवेलेबल रहेगा। सो आप यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। हम लोग के पास यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग डाल दिए हैं, जैसे आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में दिख रहा है, एंड उसके बाद हम लोग SAP S/4HANA एनवायरमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। सो एक स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले बारीकी से समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये ग्लोबली आपको मिलेगी। ग्लोबली इन द सेंस SAP में कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सेम टेम्पलेट दिखेगी, सेम ट्रांजैक्शंस भी दिखेगी। कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये कस्टम ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बनती है, ये कभी भी आपको ग्लोबलाइज या सेंट्रलाइज नहीं मिलेगी। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज के तरीके से मिलेगी, मगर थ्रू ओवर द वर्ल्ड ये नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कस्टम इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल डिजायरमेंट। हाउएवर ग्लोबल टेम्पलेट इज अवेलेबल थ्रू ओवर द ग्लोब। सो SAP को एक स्टैंड लोन एज वेल एज ग्लोबलाइज्ड ERP पैकेज बोला जाता है, क्योंकि 90% ऑफ SAP इज रनिंग विथ द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। सो स्टैंडर्ड एंड कस्टम के बारे में तो हम लोग समझ लिए हैं, अभी आगे बढ़ते हैं ये स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट इन SAP इज कंसीडर अंडर OBJECT, ऑब्जेक्ट इन SAP इज कंसीडर अंडर ट्रांजेक्शन कोड, जिसको हम लोग टी कोड बोलते हैं। ये प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम, PROGRAM एंड टेबल भी हो सकता है। सो एक ऑब्जेक्ट SAP में बोला जाता है, इसका मतलब है ये कोई एक ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है, ये कोई एक प्रोग्राम हो सकता है, ये कोई एक टेबल हो सकता है। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में तो समझ लिए हैं, अभी समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वेदर इट इज ए ट्रांजैक्शन कोड, इट मे बी ए प्रोग्राम, इट मे बी ए टेबल, how we can able to differentiate whether it is a standard in SAP or custom in SAP. हम लोग सभी जानते हैं अल्फाबेट जो होता है A to Z तक होता है, एंड ये 26 अल्फाबेट होता है। ओके, सो A to Z जो अल्फाबेट होता है, टोटल अल्फाबेट है 26। आउट ऑफ 26 अल्फाबेट, इफ द अल्फाबेट कम्स अंडर G और Y इज कंसीडर अंडर कस्टमाइज। उसी तरह रेस्ट ऑफ द 24 अल्फाबेट्स एक्सक्लूडिंग G और Y इज कम्स अंडर द स्टैंडर्ड STANDARD। स्टैंडर्ड। अब चलते हैं इसको भी समझ लेते हैं कि ये जो G एंड Y को हम लोग कस्टमाइज करके बोलते हैं, ये कब कस्टमाइज होता है। कुछ एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, तभी जाके हम लोग को और क्लैरिटी आएगी। सो एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मटेरियल लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए SAP ट्रांजैक्शन कोड ऑफर किया है थ्रू ओवर द वर्ल्ड को MM60, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल लिस्ट। इसके थ्रू हम लोग एंटायर मटेरियल जो SAP में अवेलेबल है एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, उसको हम लोग देख सकते हैं। ये MM60 जो है, ये MM60 आपको थ्रू ओवर द वर्ल्ड मिलेगी। ये MM60 का जो टेम्पलेट है, मतलब इनपुट सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं आउटपुट डैशबोर्ड, वो भी सेम तरीके से मिलेगी। हाउएवर द डेटा विल बी चेंज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन द मटेरियल नंबर एज वेल एज मटेरियल टाइप बेस यूनिट ऑफ मेजर क्रिएटेड बाय चेंज बाय, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये चेंज हो सकता है, मगर इनपुट आउटपुट एंड ट्रांजैक्शन कोड इज ऑलवेज सेम। अब आते हैं कस्टमाइज के ऊपर। कस्टमाइज किसको बोल देंगे?
इसी MM60 के आगे मान के चलिए ZMM60 या जिसको हम लोग GMM60 बोलते हैं, अब ये हो गया कस्टमाइज। ये कस्टमाइज क्या है, मैंने कुछ ही देर पहले आप लोगों को बताया, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनती है, whether it is a transaction code, whether it is a program, whether it is a table, then it is comes under the customize. अब चलिए इसी को प्रैक्टिकली SAP में करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं SAP में MM60। ये MM60 जो है आप लोग देख पा रहे हैं, हम प्रेस एंटर कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह पर आपको दिखेगी। यहाँ पर हम लोग कंपनी कोड डाल दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग प्लांट कोड डाल दे रहे हैं 9050 स्पेसिफिकली टू द मेटा फॉर कंसल्टिंग। ROH रॉ मटेरियल है हम लोग डाल दे रहे हैं, एंड लेट ओमिट द रॉ मटेरियल आल्सो, ओनली एंड ओनली हम लोग प्लांट कोड डाल रहे हैं 9050 व्हिच इज रेफरिंग टू मेटा फॉर कंसल्टिंग, क्योंकि हम लोग अभी मेटा फॉर कंसल्टिंग का SAP S/4HANA सर्वर में प्रैक्टिकली देख रहे हैं। सो आप देखिए आपको ये ग्लोबलाइज्ड टेम्पलेट मिला है, एंड ये जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग अभी पहले रन किए, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड इज कॉल्ड इट एज अ स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड। अभी चलते हैं कस्टमाइज ट्रांजैक्शन कोड के ऊपर। सेम मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, हम लोग GMM60 डालेंगे, GMM60 क्योंकि ये जो GMM60 हम लोग बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन का डिजायरमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा आया जो कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सरफाइस नहीं कर पाया, जिसके वजह से हम लोग इसको बनाए, एंड ये जब एक बार एग्जीक्यूट होके आपको डेटा डिस्प्ले करेगी, आप देखेंगे इसका टेम्पलेट कुछ अलग है, जो कि ये सेंट्रलाइज्ड टेम्पलेट नहीं है। आप देखिए ये मटेरियल लिस्ट हम लोग को दिखा रहा है, प्लांट कोड 9050 डाला हुआ है, जैसे हम लोग बोले कि ये मेटा फॉर कंसल्टिंग का ही है, इसलिए मेटा फॉर कंसल्टिंग दिख रहा है। एंड मटेरियल लिस्ट में जब MM60 हम लोग डाले थे, कुछ हद तक आपको फील्ड दिख रहा था, मगर इसमें देखिए और बहुत सारे फील्ड दिख रहा है। सो एनी कस्टम ऑब्जेक्ट व्हिच इज डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रेफरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल डिजायरमेंट, एंड वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। सिमिलरली हम लोग थोड़ा सा और नजर डालते हैं, कोई एक मटेरियल ढूंढते हैं, हम लोग जानते हैं मटेरियल ज्यादातर मारा टेबल में रहता है। ओके, सो हम लोग चलते हैं SC11 इज द ट्रांजैक्शन कोड, एंड उसके थ्रू हम लोग मारा टेबल को व्यू करते हैं। सो जब भी मारा टेबल को यहाँ पर व्यू करेंगे, आपको दिखेगा ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, क्योंकि इसमें जी नहीं लगा हुआ है। उसी तरह हम लोग आपको एक कस्टम टेबल भी दिखाएंगे, जिसके तहत आप समझ पाओगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बना हुआ है। चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, एक कस्टम टेबल को देखते हैं, GEPA_table इसलिए बना हुआ है कि एक एक्सटर्नल प्रोसेस एजेंसी है, उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर टेबल बना गया है, जो कस्टम टेबल है, एंड इंटरफेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज काम करता है। जिस किसी को इंटरफेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कैसे कस्टम टेबल बनाया जाता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चैट बॉक्स में डेफिनेटली डालिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे विथ ए न्यू वीडियो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टेबल रिलेटेड। कोई प्रोग्राम रिलेटेड हम लोग जानना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हम लोग बोले MM60, ये MM60 है स्टैंडर्ड टेबल। मैं हमेशा एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जी एंड वाई से शुरू होता है तब इसको कस्टमाइज बोला जाएगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड है। चलते हैं सिस्टम की तरफ एंड स्टेटस की तरफ। जब स्टेटस की तरफ जाएंगे हम लोगों को एक प्रोग्राम मिलेगी, ये है प्रोग्राम का नाम, आप देखिए प्रोग्राम का नाम। इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, AC38 के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे। जब AC38 के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे हम लोगों को समझ में आएगा ये स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट आपके पास जो सिस्टम है आप उसी सिस्टम में ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज करके भी देख सकते हो, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम नेम आपको दिखेगी। मगर जो कस्टम प्रोग्राम नेम मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, जब भी आप अपना सिस्टम में ढूंढने का कोशिश करेंगे या आप अपना कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एसोसिएट हुए हो उसमें ढूंढने का कोशिश करोगे वो नहीं मिलने वाला, ये प्रोग्राम आपको मिलेगा जरूर। अभी चलते हैं कस्टम प्रोग्राम के ऊपर। जो मैंने बोला था कि MM60 हम लोग का सबसे पहले ट्रांजेक्शन कोड है, एंड उसी से हम लोग कस्टम प्रोग्राम उठाएंगे। जैसे हम लोग
MM60 से उठाए थे, अभी GMM60 से चलिए उठाते हैं। ये है हम लोग का कस्टम प्रोग्राम, उसको कॉपी करते हैं एंड दोबारा हम लोग चलते हैं AC38 में एंड उसको देखते हैं। चलिए AC38 में चलते हैं एंड इसको डिस्प्ले करते हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम कभी भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये सिर्फ हम ही लोग का ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, ये एक कस्टम एप्लीकेशन है। सो इसको चलिए समराइज करते हैं एंड बारीकी से समझते हैं एसएपी क्या बोलता है, स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज के ऊपर क्या रिकमेंडेड करता है, ये सारे को बारीकी से हम लोग और समराइज करके समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एसएपी बोलता है स्टैंडर्ड एंड कस्टम एप्लीकेशन के ऊपर, स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है, कस्टमाइज जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी। आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ढूंढना है तब आपको कस्टम एप्लीकेशन प्रेफर करना पड़ेगा। इनफैक्ट किसी भी दोस्त को जानने का जरूरी है या स्ट्रगल कर रहा है कस्टम एप्लीकेशन कितनी बनी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सेकेंड जो कस्टम एप्लीकेशन बनी है उसमें से कितना यूज में है कितना ऑन यूज में है, एसएपी S4 HANA एनवायरमेंट को कंसीडर करते हुए इस टाइप का चैलेंजेस कोई फेस कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों को कमेंट करिए, हम लोग आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो रिलीज करेंगे। इनफैक्ट ये जो वीडियो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हम लोग के एक प्यारे दोस्त एक MNC कंपनी में फ्रेशर लेवल पे गए हुए हैं एंड उनको प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम लोगों को एक वीक पहले रिक्वेस्ट किए थे, उनके बिहाफ ऑफ में हम लोग ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सेकंड में सेकंड डिफरेंस जो है हम लोग क्लियरली इंटीमेट किए हुए हैं, कस्टम एप्लीकेशन शुरू होता है G&Y एंड G&Y को एलिमिनेट कर दिया जाए तो रेस्ट जो 24 अल्फाबेट होता है वो अल्फाबेट में आपका ऑब्जेक्ट शुरू होता है, शुरुआत का अल्फाबेट उसी में रहता है तो इसको स्टैंडर्ड बोला जाएगा, शुरुआत का अल्फाबेट आपका G&Y रहता है तो फिर इसको कस्टम बोला जाएगा एसएपी एप्लीकेशन को प्रेफर करते हुए। अब तीसरे डिफरेंशिएशन के ऊपर ध्यान देते हैं, जब कभी भी हम लोग को स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं थ्रू ओवर द ग्लोब ये फिक्स्ड टेम्पलेट रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट कस्टम एप्लीकेशन ये डिजाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक ओनली तो डेफिनेटली ये डिफरेंट होते ही रहेगा। अब चलते हैं चौथा डिफरेंस के ऊपर। चौथा डिफरेंस जो होता है वो मेजर डिफरेंस है, ये एसएपी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बोल रहे हैं। एसएपी बोलता है या एसएपी ये प्रैक्टिकली करता भी है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। सो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली अपग्रेड व्हेन वी आर गोइंग टू अपग्रेड आवर पैचेस और नोट। इनफैक्ट हमारे दोस्त लोगों को या किसी भी दोस्त को नोट और पैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करिए, हम लोग उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। या किसी को नोट कैसे डाउनलोड किया जाता है OSS से, सर्विस मार्केट प्लेस से, तो डेफिनेटली आप इंटीमेट करिए, हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ओके चलिए दूसरा आता है कस्टम एप्लीकेशन। जब भी कस्टम एप्लीकेशन बनता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बनता है, ऑल्दो ये SAP में अवेलेबल है बट SAP इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो जब कभी भी आप नोट या पैच अपग्रेड करते हो या सर्वर को अपग्रेड करने जाते हो तभी आपको मैनुअल अपग्रेड करना पड़ता है एंड उस जगह पर आपको काफी सारी दिक्कत भी आती है। चलिए कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं, जहां पर SAP क्या बोलती है। SAP ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्रीफर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ कस्टम वन, क्योंकि ये इजी टू ऑपरेट होता है, इजी टू यूज होता है। हाउएवर कस्टम एप्लीकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल डिजायरमेंट, क्योंकि हम लोग क्लाइंट को निराश तो नहीं कर सकते एंड क्लाइंट इज अवर ब्रेड एंड बटर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कंक्लूड करते हैं मेटाफर कंसल्टिंग की तरफ से। सो मेटाफर कंसल्टिंग नॉट ओनली SAP का सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू ओवर द वर्ल्ड को बट ऑल्सो ट्रेनिंग, मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करता है। जो मेटाफर कंसल्टिंग का स्टूडेंट है उनको मेटाफर कंसल्टिंग 100% जॉब गारंटी देती है। इसका मतलब आप मेटाफर कंसल्टिंग से कोर्स करते हो तो आपको यहाँ जॉब मिलना तय है। ज्यादा जानकारी के लिए डेफिनेटली आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, हम लोग का SAP हेल्प डेस्क टीम मेंबर अवेलेबल है जो एक्सपर्ट है SAP में, वो आप लोगों को फर्दर गाइड करेंगे। सो थैंक यू गाइज
for your precious time, and definitely like, share and subscribe. It will be motivate us to reach to you with this kind of informative video. आप हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डेफिनेटली ये हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है आगे आप लोगों को इस टाइप का वीडियो शेयर करने के लिए. वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप्स, बट यस वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड यू जस्ट हैव टू बी सपोर्ट अस सो दैट वी कैन एबल टू ग्रो अप फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू गाइज.